हेलो ऑल, आई एम श्रवंती भट्टाचार्य, लेक्चरर ऑफ सोनी नर्सिंग कॉलेज. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम व्हिच इज़ नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इट इज़ ऑल्सो कम अंडर द कंडीशन ऑफ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज. व्हाई इट इज़ कॉल्ड डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इन नेक्स्ट लेक्चर मीन्स इन नेक्स्ट स्लाइड वील गेट टू नो. First of all, introduction of osteoarthritis or degenerative joint disease. Osteoarthritis is composed of three words. One is osteo, second one is arthra, third one is itis. Osteo means bone, arthra means joint, itis means inflammation. So it is the condition of inflammation based on bone and joint articular cartilages. Next, introduction of osteoarthritis. Osteoarthritis is also known as degenerative joint disease because in osteoarthritis there is breakdown and eventual loss of the cartilage of one or more joint. Osteoarthritis occurs more frequently as we age. Before age 45 years it occur in male, after 55 years it occur more frequently in female. Osteoarthritis most often occur at the end of the fingers, thumbs, neck, lower back, knees and hips. So मीनिंग आप सबको समझ में आ गया. दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट कार्टिलेज. इन्फ्लेमेशन इसमें सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होते हैं. क्यों सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे. अभी आप लोग को इसका आंसर मिल जाएंगे कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ क्यों बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को. डीजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब है व्हेनेवर वी एज्ड आवर सिस्टम स्टार्ट डिटोरिएटिंग और आवर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स स्टार्ट लॉसेस देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज डीजेनरेटिव कंडीशन. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सेम थिंग होते हैं. इसमें बोन्स और जॉइंट की जो कार्टिलेज होते हैं इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाते हैं. डिग्रेडेशन मीन्स लॉसेस ऑफ द कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज की ब्रेकडाउन एंड लॉसेस होते हैं एज के साथ साथ, विच लीड्स टू पेन, जॉइंट स्टिफनेस, नैरो जॉइंट स्पेस एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन्स के एंड में रहते हैं एंड बोन को और हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. इसके कार्टिलेज की मदद से वी कैन मूव आवर लिम्ब नाइसली विदाउट एनी पेन. इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आल्सो विल डिस्कस दिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली फिंगर में होते हैं, थंब में होते हैं, नेक में होते हैं, लोअर बैक, नीज एंड हिप्स. जितने भी स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, इसी स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होते हैं. बट रिमेंबर, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा वन साइडेड होते हैं, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ओनली कार्टिलेज को ही डिग्रेड करते हैं और कार्टिलेज का ब्रेकडाउन करते हैं. इसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज आर्थराइटिस के बहुत सारे ऐसे कंडीशन आप लोग को मिलेंगे जैसे कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस मिलेंगे. रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप देख सकते हो कि सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. रियूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होते हैं. अगर राइट हैंड इफेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट हैंड भी इफेक्ट होने का चांसेस है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है. तो अभी देखते हैं नॉर्मल हेल्दी जॉइंट स्ट्रक्चर. हियर यू लुक, टू बोन कम टुगेदर विच इज़ नोन एज जॉइंट. एट द एंड ऑफ द बोन ब्लू कलर पोर्शन यू कैन लुक, दिस इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कार्टिलेज कंपोज ऑफ प्रोटीन विच हेल्प अस टू मेंटेन द लुब्रिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ द जॉइंट. इन बिटवीन टू बोन वन नाइस स्पेस, जॉइंट स्पेस यू कैन सी, दिस इज़
composed of joint fluid or synovial fluid. And in the case of osteoarthritis, certain little bit problem arise in this joint space. I can just say not little bit, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं जॉइंट स्पेस में. क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं? जब कार्टिलेज डिग्रेडेशन होते हैं तो जॉइंट स्पेस नैरो हो जाते हैं, दोनों बोन एक दूसरे को फ्रिक्शन करना शुरू हो जाते हैं, एक बोन और दूसरे बोन के साथ आ जाते हैं एंड स्टार्ट रबिंग इच अदर, स्टार्ट ग्रेटिंग इच अदर, फ्रिक्शन शुरू हो जाते हैं एंड इसी फ्रिक्शन से बोन्स इरीटेट होते हैं एंड सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. चलो देखते हैं कि जॉइंट स्पेस कितना नैरो हो जाते हैं. दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट. इसमें लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी हेल्दी जॉइंट स्ट्रक्चर, टू बोन इज इंटैक्ट, कार्टिलेज ऑल्सो इंटैक्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल ऑल आर इंटैक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन लेफ्ट साइड पिक्चर. But if you look the right hand side picture, you can visualize certain problem has already developed. First is thinning of the cartilage, thinning of the articular cartilage develop because of age and because of other causes we'll discuss in later on. एंड थीन होने के साथ साथ जॉइंट स्पेस भी कम होना शुरू हो गए. आप लोग पिक्चर को अच्छे से देखिए तो पता चलेंगे नैरो जॉइंट स्पेस. एंड उसके बाद क्या होते हैं, सीवियर कंडीशन में कार्टिलेज टोटली डिमिनिश हो जाते हैं, जॉइंट स्पेस भी नहीं रहते हैं, दोनों बोन का ओवरलैपिंग हो जाते हैं एंड जब बोन का ओवरलैपिंग होते हैं तो वो रफ एरिया क्रिएट होते हैं. इसमें होते हैं फ्रिक्शन, ग्रेटिंग, रविंग ऑफ द बोन विच लीड्स टू सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस, जॉइंट फ्लेक्सीबिलिटी फिनिश हो जाते हैं. नेक्स्ट definition of osteoarthritis. Definition: it is a group of mechanical abnormality involving degradation including cartilage and subchondral, characterized by pain, tenderness, stiffness and effusion. Same things. एक mechanical abnormality होते हैं और degenerative condition होते हैं जिस condition में कार्टिलेज एंड सबकंड्रल एरिया का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है. डिग्रेडेशन मतलब लॉसेस होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होते हैं, क्रैकिंग साउंड सुनाई देते हैं, स्टिफनेस हो जाते हैं, हार्डनिंग हो जाते हैं, बोन का इन्फ्लेमेशन होते हैं. तो कार्टिलेज एंड सबकंड्रल एरिया, कार्टिलेज आपको इधर दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिस इज़ कार्टिलेज. एंड सबकंड्रल एरिया को देखने के लिए हम प्रीवियस पिक्चर में जाते हैं. कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द बोन, ब्लू कलर एरिया विच इज़ मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड सबकंड्रल बोन. सबकंड्रल मीन्स जस्ट बिलो द कार्टिलेज, जस्ट बिलो द कार्टिलेज विच हेल्प अस टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएन टू द बोन. तो जब भी सीवियर कंडीशन होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इसी कंडीशन में कार्टिलेज एंड सबकंड्रल दोनों इफेक्ट होते हैं, दोनों का डिग्रेडेशन होते हैं एंड डेड टिश्यू बन जाते हैं. अगर हम इसी पिक्चर में फिर से देखते हैं, हेल्दी नी जॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है इंटेक कार्टिलेज, इंटेक सबकंड्रल एरिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देख रहे हो एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल बोन ग्रोथ इसलिए होते हैं बॉडी डिफेंस करने का कोशिश करते हैं कि बोन का लॉसेस हो रहा है, चलो हम दोबारा न्यू बोन ग्रोथ क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट अगर इसी पिक्चर में आ जाए, राइट हैंड साइड के पिक्चर में, आपको अच्छे से पता चलेगा नॉर्मल जॉइंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट देखते हैं, थीनिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो रहा है, थीन हो गया एंड कार्टिलेज की जो फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट जॉइंट सरफेस में, जॉइंट नैरो जॉइंट स्पेस में मिलेंगे एंड इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ पेन टू पेशेंट. As well as one more condition will develop which is known as osteophyte technically or bone spur. Osteophyte क्या होते हैं, जो joints की corners होते हैं इसी corner में small abnormal bone का creation होते हैं for defense mechanism of the body. Next, classification of osteoarthritis. There are total two classification of osteoarthritis. First one is primary osteoarthritis,
सेकेंड वन इज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी कंडीशन के साथ लिंक नहीं होता है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, बिकॉज जब एज होते हैं कार्टिलेज की प्रोटीन कंटेंट कम हो जाते हैं एंड कार्टिलेज धीरे 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 डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, वन कॉज। नेक्स्ट इज वेयर एंड टीयर मैकेनिज्म, जितना हम हमारे जॉइंट्स को यूज़ करेंगे इतना हमारे कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होंगे। यू जॉइंट यूज़ करने का मतलब है रॉन्गली जॉइंट यूज़ करना, जैसे कि रॉन्ग पोजिशन में बैठना, फ्लोर में ज़्यादा टाइम बैठे रहना, वो क्या करते हैं हमारे कार्टिलेज को डिग्रेड कर देते हैं। सो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के पीछे दो कारण हैं। फर्स्ट रीज़न है एज, आफ्टर 40 ईयर्स प्रोटीन कंटेंट कम हो जाते हैं कार्टिलेज की एंड कार्टिलेज धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्या रीज़न है, वेयर एंड टीयर टेक्निक, जितना हम जॉइंट को एबनॉर्मली यूज़ करेंगे उतना हमारे जॉइंट ब्रेक डाउन होता शुरू होगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑलवेज लिंक विद द डिजीज कंडीशन लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, नेक्रोसिस ऑफ द जॉइंट, स्पोर्ट्स इंजरी, प्रीवियस फ्रैक्चर, विच डेवलप सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, फर्स्ट इज इंक्रीज्ड एज। इंक्रीज्ड एज, एज जितना बढ़ेंगे इतना कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन का चांसेस है। क्यों कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन का चांसेस है, क्योंकि कंड्रोसाइट सेल की अमाउंट कम हो जाते हैं, साथ में प्रोटियोग्लाइकन जो प्रोटीन रहता है उसका भी डेवलप नहीं हो पाता है, विच लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द कार्टिलेज। सेकेंड इज ओबेसिटी, हाउ ओबेसिटी इज एफेक्टिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज ओबेसिटी में क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट्स है इस स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं एंड दिस प्रेशर लीड्स टू ब्रेक डाउन और वीकनिंग ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट प्रीवियस जॉइंट डैमेज, प्रीवियस जॉइंट डैमेज ड्यू टू एनी स्पोर्ट्स इंजरी, ड्यू टू फ्रैक्चर। नेक्स्ट रिपीटेटिव यूज़, रिपीटेटिव यूज़ इज़ डायरेक्टली लिंक विद वेयर एंड टीयर मैकेनिज्म, जितना हम जॉइंट्स का अननेसेसरी यूज़ करेंगे उतना जॉइंट्स कमज़ोर होने का चांसेस ज़्यादा है, विच लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट कोई भी एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो, जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक टू रिपीटेटिव यूज़ ऑफ द जॉइंट और ओबेसिटी। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैथोफिजियोलॉजी, फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड लॉस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन कोलाजन कंटेंट इन मैट्रिक्स, नेक्स्ट लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सॉफ्टनिंग ऑफ कार्टिलेज, नेक्स्ट इन रेस्पॉन्स ऑफ द लॉस कंड्रोसाइट इनिशियली प्रोलिफरेटिव, नेक्स्ट As this disease progress, there will be repetitive damage of cartilage degeneration develop. Next, erosion and cracking initially appear in the superficial layer of cartilage and progress over time to deeper layer. Next, central loss of cartilage. Next, the normal distribution of stress is altered and develop pain, restrict movement. Next, साइनोवियम में ऑल्सो सीक्रेट एक्सेसिव फ्लूइड एंड क्रिएट इन्फ्लेमेशन। इस पैथोफिजियोलॉजी को हम अच्छे से समझते हैं, पहले हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेशन में देखे आप लोगों ने कार्टिलेज इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो दोनों कंपोनेंट से बना होता है, दो कंपोनेंट से बना होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज कंड्रोसाइट सेल। एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स का काम होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना एंड कंड्रोसाइट सेल करते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कंड्रोसाइट सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होते हैं कार्टिलेज का, जो प्रोटीन जनरेट करते हैं। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन। इस प्रोटियोग्लाइकन हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन का काम करते हैं। इतना समझ में आया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स एंड कंड्रोसाइट। एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं
एंड कंड्रोसाइट प्रोटीन से डेवलप होते हैं. इस प्रोटीन क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं. तो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज क्या होते हैं, जो प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन लॉस होना शुरू हो जाते हैं, साथ में कंड्रोसाइट एंड मैट्रिक्स भी लॉस होते हैं. इस लॉसेस के वजह से इलास्टिसिटी रिड्यूस होते हैं एंड कंड्रोसाइट की जो प्रोटीन मेकअप है वो भी कम हो जाते हैं. कोलाजन डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं. कार्टिलेज में डैमेज होते हैं. पहले कार्टिलेज में क्रैकिंग शुरू होता है सुपरफिशियल लेयर में. धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस होने के साथ वो डीपर लेयर तक इन्वॉल्व होते हैं. तब सबकंड्रल एरिया में इफेक्ट हो रहा है. कार्टिलेज का टोटल लॉसेस होते हैं. जॉइंट स्पेस कम हो जाते हैं एंड दोनों बोन एक दूसरे के साथ रबिंग, फ्रिक्शन, ग्रेटिंग होते हैं, विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, डेवलपिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर एंड साइनोवियम में सीक्रेट एक्सेस फ्लूइड एंड साइनोवियल इन्फ्लेमेशन में डेवलप. नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. फर्स्ट इज वर्सनिंग ऑफ पेन. सेकेंड वन इज लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट. थर्ड वन इज स्टिफनेस. फोर्थ वन इज क्रेपिटस. फिफ्थ वन इज माइल्ड टेंडरनेस. नेक्स्ट वन बर्निंग सेंसेशन इन द एसोसिएटेड मसल एंड टेंडन. नेक्स्ट लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट हेवर्डन नोड्स. नेक्स्ट बोचन नोड्स. फर्स्ट वर्सनिंग ऑफ पेन. पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है. जितना डिजीज कंडीशन सीवियर होगा उतना ज़्यादा पेन फील होते हैं. पेन एंड ऑफ द डे ज़्यादा फील होते हैं, क्योंकि पूरा दिन पेशेंट अगर जॉइंट का मूवमेंट करेंगे, रात में जाके इसी जॉइंट जब रेस्ट करेंगे, उस टाइम में पेशेंट को पेन फील होने का चांस है. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव वर्क. एंड और पेन क्यों ज़्यादा फील होता है, क्योंकि कार्टिलेज नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है जॉइंट में, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो दोनों बोन एक रफ़ एरिया क्रिएट कर देते हैं. वो रफ़ एरिया के वजह से जब भी पेशेंट हाथ की मूवमेंट करते हैं, इट्स लीड टू वर्सनिंग ऑफ पेन. नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट. पेशेंट को एडवाइस भी देना है कि मूवमेंट जितना पॉसिबल है कम करे. एंड इसके सिम्टम्स भी है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि पेशेंट में जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, पेन शुरू हो जाते, तो पेशेंट हाथ की कोई मूवमेंट या कोई भी लिम्फ की मूवमेंट नहीं कर पाते. नेक्स्ट स्टिफनेस फील होते हैं, हार्डनिंग फील होते हैं पेशेंट को पर्टिकुलर जॉइंट एरिया में. नेक्स्ट क्रेपिटस. क्रेपिटस क्या होते हैं, क्रैकिंग और साउंड और ग्रेटिंग साउंड होते हैं. जब भी कोई रफ एरिया एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं एंड मूव करने के टाइम में एक क्रैकिंग और ग्रेटिंग साउंड सब फील होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो पेनफुल. टेंडरनेस फील होना, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होना मसल्स एंड टेंडन में ड्यू टू सेकेंडरी इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम होते हैं, क्योंकि इसमें कंड्रोसाइट सेल नहीं रहता है. नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और टू इम्पॉर्टेंट साइन विच डेवलप इन ऑस्टियोआर्थराइटिस. जिस साइन की मदद से डॉक्टर कैन डिफरेंशिएट द कंडीशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एमंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फर्स्ट इज हेवर्डन नोड्स. सेकेंड वन इज बोचर नोड्स. आप इमेज को अच्छा से देखिए. हेवर्डन नोड्स में क्या होते हैं, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होते हैं. एबनॉर्मल बोन ग्रोथ कहाँ हो रहा है, जो हमारे डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इसमें एबनॉर्मल स्मॉल बोन ग्रोथ होते हैं. इसको हम बोलते हैं हेवर्डन नोड्स. नेक्स्ट बोचर नोड्स. बोचर नोड्स कहाँ पे होते हैं, जो हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, इसी इंटरफेलेंजियल जॉइंट में एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होना, इसको हम बोलेंगे बोचर नोड्स. नेक्स्ट निमोनिक्स ऑफ ऑस्टियो. इस निमोनिक्स से आप लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं. फर्स्ट ओ से आउटग्रोथ ऑफ बोन. आउटग्रोथ ऑफ बोन्स मीन्स इसमें एबनॉर्मल बोन डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स. एबनॉर्मल बोन कहाँ डेवलप हो रहा है, जॉइंट के कॉर्नर में. क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी कोशिश कर रहा है डिफेंस करने के लिए. ठीक है, इसके एग्जांपल है हेवर्डन नोड्स एंड बोचर नोड्स, जो आपने इसी स्लाइड में देखा है. नेक्स्ट सनराइज स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट्स.
ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को स्टिफनेस फील होते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो भी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट्स के कम टाइम के लिए। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बात करें, इसमें भी पेशेंट को स्टिफनेस फील होता है, बट वो मोर देन 30 मिनट्स। नेक्स्ट टी, टी इज इक्वल टू टेंडरनेस व्हेन टचिंग साइट। जब भी साइट टच करेंगे, जॉइंट साइट, पेशेंट विल फील सीवियर पेन और टेंडरनेस इन टू पर्टिकुलर इन द पर्टिकुलर साइट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस क्रेपिटस। क्रैकिंग साउंड और ग्रेटिंग साउंड पेशेंट फील करेंगे वेन एवर ही और शी ट्राइज टू मूव द जॉइंट। नेक्स्ट, ओनली द जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलवेज डेवलप इन द जॉइंट, नॉट इन्वॉल्व द सिस्टम। प्लीज रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट विल मूव टू डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड वन इज रेडियोलॉजिकल टेस्ट, फोर्थ वन इट इज फ्लूइड एनालिसिस, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। तो वन बाई वन विल सी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या हिस्ट्री एज ए नर्स वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द पेशेंट, लाइक प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री, रिसेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, एनी इंजुरी, एनी फ्रैक्चर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की मूड्स, बिहेवियरल हिस्ट्री, फूड हैबिट, न्यूट्रिशन हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, एवरीथिंग वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द पेशेंट। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन के साथ साथ मस्कुलोस्केलेटन एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा एंड रिफ्लेक्सेस चेक करना है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द एनलार्ज एरिया ऑफ द जॉइंट एंड टेंडरनेस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट, इन रेडियोलॉजिकल टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे। एक्सरे में जो एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो रहा है, जिसको हम बोन स्पार बोलते हैं, वो बोन स्पार अच्छे से नोटिस होते हैं, बट कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एक्सरे में नहीं दिखाया जाता है। तो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन देखने के लिए डॉक्टर हैज टू ऑर्डर फॉर MRI एंड CT स्कैन। नेक्स्ट, वन मोर टेस्ट इज देयर, दिस इज जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस मीन्स साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्थराइटिस का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होते हैं, जैसे कि गाउट होते हैं। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं एंड यूरिक एसिड जॉइंट्स में एकुमुलेट हो जाते हैं। तो अगर हम जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करेंगे एंड इस केस में यूरिक एसिड मिल रहा है, तो इट मे बी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बिकॉज पेशेंट को गाउट होने का चांसेस है। नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, रूमेटॉइड फैक्टर्स मिलते हैं, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स मिलते हैं साथ में रूमेटॉइड फैक्टर्स। तो अगर एनालिसिस में देखा गया रूमेटॉइड फैक्टर है, तो डॉक्टर में कंफर्म द डायग्नोसिस एज ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर यूरिक एसिड भी नहीं है, रूमेटॉइड फैक्टर्स भी नहीं है, डॉक्टर में श्योर दैट द कंडीशन विल बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी इस स्लाइड में आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि बोन स्पार एंड ऑस्टियोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैसे देखने में होते हैं। सो बोन स्पार क्या होते हैं, बोनी प्रोजेक्शन विच डेवलप ऑन द एज ऑफ द बोन, यूजुअली हर टू बोन कम टुगेदर, जहाँ पे दोनों बोन एक साथ होते हैं, जिसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स की कॉर्नर में एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होते हैं, इसको हम बोन स्पार एंड टेक्निकली इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन के लिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बट हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर नहीं कर सकते, ओनली इसके सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो पहले जो मेडिकेशंस डॉक्टर फर्स्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दिस मेडिकेशन इज एनाल्जेसिक मेडिकेशन और एनाल्जेसिक थेरेपी। एसिटामिनोफेन दे कैन प्रेस्क्राइब, सेकेंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, दे कैन ऑल्सो एडवाइस फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, लास्ट विस्को सप्लीमेंटेशन और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ हाइलोरोनिक एसिड फॉर ईयरली पर्पज़ और 6 मंथ में दिया जाता है। हाइलोरोनिक एसिड क्या करते हैं, कार्टिलेज की फंक्शंस को बढ़ाते हैं, कार्टिलेज डेवलप करते हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी करते हैं। ओके, वन अनदर मेडिसिन दे कैन गिव, दिस इज ग्लूकोसामाइन एंड कंड्रोइटिन। ग्लूकोसामाइन एंड कंड्रोइटिन ब्रेकडाउन को कम करते हैं एंड
टिश्यू फंक्शन को बढ़ा देते हैं। सो क्या क्या मेडिसिन देते हैं? एनाल्जेसिक देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दे रहा है हाइलोरोनिक एसिड ईयरली बेसिस में और 6 मंथ में। किस लिए दे रहे हैं? कार्टिलेज की इम्प्रूव करने के लिए, कार्टिलेज डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पैथोलॉजी में सुना था कि हाइलोरोनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे कंड्रोसाइट सेल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये लुब्रिकेट करते हैं हमारे कार्टिलेज को भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोटॉमी। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी एक इनिशियल सर्जिकल मेजर्स होते हैं। आप इसकी इमेज को अच्छे से दे सकते हो, इमेज देखने के बाद में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ऑस्टियो मीन्स बोन, टॉमी मीन्स इंसिशन क्रिएट करना और कटिंग ऑफ द बोन। ऑस्टियोटॉमी में बोन की कट किया जाते हैं। किस लिए कट किया जाते हैं? बोन को रीअलाइनमेंट देने के लिए, बोन को शॉर्ट बनाने के लिए या लॉन्ग बनाने के लिए, एज वेल एज पेन को भी कम करने के लिए। जब कट करेंगे उस कट एरिया में ग्राफ लगाए जाते हैं एंड उसी कट को प्लेट एंड स्क्रू से अच्छे से जोड़ा जाते हैं। नेक्स्ट सर्जरी, आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस का दूसरा नाम होता है जॉइंट फ्यूजन सर्जरी। आर्थोडेसिस कब किया जाता है? जब पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, जॉइंट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं एंड उसकी जब कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तब इसी टाइम में सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए आर्थोडेसिस और जॉइंट फ्यूजन किया जाता है। अब नाम से पता चल रहा है, जॉइंट फ्यूजन मीन्स दोनों बोन को जोड़ देंगे, फ्यूज़ कर देंगे। कैसे फ्यूज़ करेंगे? स्किन को कट इंसिशन करेंगे, बोन्स को, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो था, ओल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज जो डैमेज हो चुका था उसको रिमूव करेंगे एंड दोनों बोन को जोड़ देंगे। उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस जैसे कि स्क्रू वगैरह लगाएंगे, एज वेल एज पेल्विक बोन से ग्राफ्ट लेके वो पर्टिकुलर एरिया में भी पुट करेंगे। इसका एडवांटेज है, पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएगा, बट इस आर्थोडेसिस के बाद पेशेंट उस पर्टिकुलर जॉइंट को मूव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम होता है जॉइंट फ्यूजन सर्जरी एंड पेशेंट को सपोर्ट से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी, प्लास्टी मीन्स रिपेयर करना। दिस इज वन काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किस लिए होते हैं? आप पिक्चर्स में देखो, इसमें सर्जरी के बाद प्रोस्थेसिस लगाया जाते हैं और मेटल इम्प्लांट किया जाते हैं जॉइंट बोन्स के साथ, सो दैट पेशेंट प्रोस्थेसिस की मदद से चल पाए। दिस इज़ नोन एज आर्थोप्लास्टी और इट इज़ वन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। और एक सर्जरी है जिसका नाम है आर्थोस्कोपी। आर्थोस्कोपी में क्या करते हैं? स्कोपी मीन्स ऑब्जर्व करना। जो कार्टिलेज की फ्रेगमेंट जॉइंट स्पेस में मिलते हैं, इन प्रीवियस इमेजेस ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर यू ऑब्जर्व दिस, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंट, कार्टिलेज फ्रेगमेंट इज सिचुएटेड और इज प्लेस्ड इन द जॉइंट स्पेस। बाय द हेल्प ऑफ आर्थोस्कोपी डॉक्टर रिमूव दिस फ्रेगमेंट from the joint space. Next, nursing management of osteoarthritis, role of nurse. First, as a nurse, what is our responsibility? Assess the history of the patient or collect the history of the patient. What history? About previous injury, about family history, diet pattern, medical history, any surgical history. All the history clearly we have to collect from the patient. And next, physical examination, head to toe examination, as well as perform close examination of joints, bones to observe the tenderness and pain. Next, vital signs check करना पड़ेगा patients की, patient को comfortable position देना है, these are come under the assessment. Nursing diagnosis. Acute pain related to bone deformities, muscle spasm, physical mobility as evidenced by facial grimaces, irritability, protective guarded behavior, restlessness, refusal or inability to participate in ongoing exercise or rehabilitation program,
reports of a decreased ability to perform ADL because of discomfort. Nursing diagnosis is based on the symptoms. So in symptom, you observe that in first symptom, worsening of pain. So what is the reason behind it? How pain is developing? Pain develops due to the friction, due to the damaged cartilage, due to muscle spasm. And इसी pain को कैसे हम solve करेंगे, कैसे reduce किया जाता है, इसके लिए हम intervention देखते हैं. पहले as a nurse we have to locate the area where pain is developing and next measure the severity of the pain by using pain rating scale. It is mild, moderate or severe. Next, maintain the comfortable position of the patient by turning the patient. Next, safe environment provide karna, psychological support dena, administer analgesic as per doctor order. In medication आप लोगों ने देखा है कि acetaminophen provide किया जाते हैं, तो acetaminophen pain killer होते हैं and वो pain killer pain को reduce करते हैं. साथ में hot and cold application भी दिया जाता है patient को, and patient को educate करना है थोड़ा बहुत exercise करने के लिए जब pain कम हो जाए, so that weight reduction हो, and weight reduction होने के साथ साथ patient की मस्कुलर स्टेबिलिटी भी बढ़ते हैं, एंड मस्कुलर स्टेबिलिटी बढ़ने से पेशेंट की पेन भी कम फील होगा. नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस. इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू फैटिक, मसल वीकनेस, पेन, रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट. तो इस डायग्नोसिस को भी हमने सिम्टम से बनाया है. तो सिम्टम में आप लोगों ने देखा था कि फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड होते हैं. इम्पेयर्ड किस लिए होते हैं? क्योंकि पेन होते हैं, पेशेंट को स्टिफनेस फील होते हैं, टेंडननेस फील होते हैं, तो पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाते हैं इन नर्सिंग इंटरवेंशन में विल ऑब्जर्व. पहले एसेस करेंगे एज ए नर्स कि पेशेंट का रिसेंट फंक्शनल एबिलिटी कितना है, क्या पेशेंट बैठ पाते हैं अपने आप, क्या पेशेंट थोड़ा बहुत चल पाते हैं. अगर नहीं बैठ पाते, नहीं चल पाते, विल असिस द पेशेंट इन देयर एक्टिविटी. धीरे 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 रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे सो दैट इसकी मसल्स की स्टेबिलिटी हो जाए. नेक्स्ट, पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है इन इंटरवल वाइज, 2 आवरली और 3 आवरली. पेशेंट को सपोर्ट्स की ज़रूरत होते हैं, वो सपोर्ट्स एज ए नर्स वी कैन प्रोवाइड बाय पीलो और ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस. एंड पेशेंट को एडवाइस करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करना ज़्यादा टाइम के लिए, जो वेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, जंपिंग नहीं करना है, धीरे 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 वॉक कर सकते हैं. एंड पेशेंट फैमिली मेंबर को हमेशा साथ रहना ज़रूरी है. नेक्स्ट, डायग्नोसिस. डिफिशियंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और सेफ एक्टिविटी प्रोग्राम. पेशेंट की ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन क्या होते हैं, इसके वजह से क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट को पता नहीं है. इसीलिए इस कंडीशन जल्दी क्योर नहीं हो पाते, सिम्टम्स रह जाता है. तो पेशेंट को नॉलेज कैसे दिया जाता है, कौन सा इंटरवेंशन हम नॉलेज देने के लिए यूज़ करेंगे वो देखते हैं. पहले पेशेंट्स की नॉलेज असेस करेंगे, उसको क्वेश्चंस पुट करेंगे कंडीशन के रिगार्डिंग कि क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कि आप लोग को पता है. दिस विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, उसके बाद पेशेंट्स के आंसर मिलने के बाद आप इसकी पेशेंट का नॉलेज लेवल पता चल जाएंगे एंड पेशेंट को समझाएंगे एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, बॉडी इमेज को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अलाइनमेंट करना है बॉडी का, साथ में कौन सा एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होंगे, डाइट में कैल्शियम लेना है, न्यूट्रिशन डाइट दे कैन कंज्यूम, एज वेल एज एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है पेशेंट को जितना पॉसिबल है. नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस. फर्स्ट, वेट रिडक्शन. सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज. थर्ड, पेरिनेटल स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल हिप डिजीज, जॉइंट रेस्ट एंड अवॉइडेंस ऑफ जॉइंट ओवर यूज. फोर्थ,
orthotic device to support inflamed joint. Next, postural exercise and aerobic exercise, occupational and physical therapy can help the patient adopt self-management strategies. So preventive measures में first preventive measures जो हमें patients को समझाना है वो है weight reduction करना. क्यों weight reduction जरूरी है इस केस में? Weight reduction is very very important because जब reduction होते weight का तो stress कम हो जाते हैं joints के ऊपर. स्ट्रेस और प्रेशर, अगर स्ट्रेस और प्रेशर कम होते हैं तो पेशेंट को पेन भी कम फील होगा, हील भी होगा जल्दी. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, कोई दोबारा इंजरी नहीं होना चाहिए. अगर दोबारा इंजरी हो जाए तो इसी जॉइंट्स को क्योर होने का कोई चांसेस नहीं है. नेक्स्ट, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है नीज जॉइंट की, हिप जॉइंट की. पेशेंट को एडवाइस करना है जितना पॉसिबल है रेस्ट करो, डोंट ओवर यूज योर जॉइंट. And also provide orthopedic device, orthopedic devices like splint, like braces. Next, postural exercise and aerobic exercise. Ask the patient to perform mild exercise like walking, aerobic exercise, which will improve the muscle strength. Next, last point to be remembered. This will help you to remember the condition, and if you remember this point, you can easily differentiate the osteoarthritis condition with the rheumatoid arthritis condition or any other arthritic condition. So first point is degenerative joint disease. इट इफेक्ट कार्टिलेज नॉर साइनोवियम. आप सबको पता है, इतना टाइम में पता चल गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होते हैं बिकॉज एज के साथ साथ इसका कंडीशन वर्स हो जाते हैं. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओनली कार्टिलेज इफेक्ट होते हैं ना कि साइनोवियम. कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होते हैं, कार्टिलेज के डीपर लेयर सबकंड्रल एरिया का ब्रेकडाउन होते हैं, इसके बाद बोन इरिटेट होते हैं एंड तब जाके सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होते हैं साइनोवियम में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज विल गेट इफेक्ट. नेक्स्ट, इट हैपन्स एंड गेट वर्स ओवर टाइम. जितना टाइम जाएंगे इतना टाइम के साथ साथ कंडीशन और भी वर्स होते जाएंगे, पेन और ज़्यादा होंगे, स्टिफनेस होंगे, हार्डनिंग हो जाएंगे जॉइंट, पेशेंट मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा. सो जब भी आपको लगते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं, पेन हो रहा है जॉइंट में, आप मूव नहीं कर पा रहे हो थोड़ा बहुत, एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली ऑकर इन हैंड, हिप्स, नीज एंड स्पाइन. क्यों? क्योंकि इसी जॉइंट्स का हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं एंड दीज ऑल आर द वेट बियरिंग जॉइंट एंड इसमें वेयर एंड टीयर मैकेनिज्म भी है. नेक्स्ट, नॉट सिमेट्रिकल और सिस्टमिक, वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल मीन्स एक ही साइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा. अगर राइट हैंड में होता है तो राइट हैंड में होगा, लेफ्ट हैंड में नहीं जाएंगे. बट अगर रूमेटोइड आर्थराइटिस में दोनों हैंड विल गेट इन्वॉल्व, दोनों साइड में होगा. सिस्टमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज को अफेक्ट कर रहा है, कोई भी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, तो सिस्टमेटिक नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर, नॉट सिमेट्रिकल और नॉट सिस्टमेटिक, सिस्टमिक नहीं है, सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करते. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर लाइक ओल्ड एज मोर देन 40 इयर्स. नेक्स्ट, रिपीटेड जॉइंट इंजरीज, ट्रेनर्स जॉब लाइक नर्सिंग. जितना ओल्ड होते जाएंगे इतना ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस है, 40 to 60 इयर्स. जॉइंट इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, फ्रैक्चर्स विच लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस. नेक्स्ट, स्ट्रेनर्स जॉब्स लाइक नर्सिंग. स्ट्रेनर्स जॉब्स लाइक नर्सिंग मतलब नर्सिंग में हमें बहुत टाइम स्टैंडिंग पोजिशन में रहना पड़ता है. स्टैंडिंग पोजिशन में रहने की वजह से प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट होते हैं जॉइंट्स में, विच लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज और वीकनिंग ऑफ कार्टिलेज. सिम्टम्स में आप लोगों ने पहले देखा है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, स्टिफनेस होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं बोन्स की, पेन होते हैं, टेंडरनेस होते हैं. दीज आर द सिम्टम्स. डायग्नोसिस, फर्स्ट जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, वो मैंने आपको पहले भी बताया था. जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करने से हम रूल आउट कर सकते हैं कौन सी टाइप ऑफ आर्थराइटिस हो रहा है. एक्सरे किया जाते हैं और रेडियोलॉजिकल टेस्ट किया जाते हैं. एक्सरे में एबनॉर्मल जो बोन ग्रोथ होते हैं जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स, इस ऑस्टियोफाइट अच्छे से विजुअलाइज होते हैं एंड बोन की हार्डनिंग जो हो रहा है, जॉइंट फ्यूजन हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो विजुअलाइज बाई एक्सरे. बट कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन को विजुअलाइज करने के लिए MRI एंड CT स्कैन किया जाता है. ट्रीटमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है.
ओनली सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जाता है। सिम्टम को कैसे इम्प्रूव करते हैं, एजुकेट करना है पेशेंट को, एक्सरसाइज करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, मेडिकेशन के लिए एंड सर्जरी के लिए। थैंक यू एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सबको मेरे टॉपिक समझ में आया, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़ और फॉर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू ऑल।